यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमस्कार, बड़ी बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान और मैं कमल कौशिक। 47 साल के राहुल गांधी 137 साल पुरानी राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और करीब करीब 13 साल की सक्रिय राजनीति में देश के बड़े नेता माने जाते हैं। इस दौरान कई बार राहुल के बयानों का मजाक उड़ा तो कई बार पार्टी को उनके बयानों के चलते मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। एक बार फिर से राहुल गांधी ने ऐसा बयान दिया है जिसके मायने क्या है ये समझना बेहद जरूरी है। बिल्कुल समझना जरूरी है। और राहुल गांधी के नई दिल्ली में दिए गए बयान के बाद एक और जहां वो सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं, तो वहीं इस बयान के कई मतलब भी निकाले जा रहे हैं। क्योंकि ये तो मालूम राहुल को भी होगा कि असल में कोका कोला बनाने वाले शिकंजी बेचने वाला नहीं बल्कि एक फार्मिस्ट था। तो बड़ी बात यह है कि ऐसे बयान देकर राहुल गांधी जताना क्या चाहते हैं। राहुल गांधी का ताजा बयान किसी को भी हंसने पर मजबूर कर सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का ताजा तरीन ज्ञान अमेरिका के एक शिकंजी वाला और एक ढाबा वाला पर है। उनके मुताबिक इन दोनों ने कोका कोला और मैकडोनाल्ड्स की शुरुआत की। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नई दिल्ली में सोमवार को पार्टी के ओबीसी सम्मेलन में कोका कोला और मैकडोनाल्ड्स की शुरुआत को लेकर विस्तार से बात बताई। उनका इरादा देश भर में ओबीसी समुदाय को पार्टी की तरफ खींचना था जिससे ये समुदाय अगले आम चुनाव में कांग्रेस को वोट दे सके। आइए सबसे पहले जानते हैं कि राहुल गांधी ने अपनी बात कैसे रखी। कोका कोला कंपनी का नाम सुना है आपने? यहाँ पर कोई व्यक्ति है जिसने कोका कोला कंपनी का नाम नहीं सुना हो? सबने सुना है। अब आप मुझे बताओ कोका कोला कंपनी को किसने शुरू किया? कौन था ये, कोई जानता है? मैं आपको बताता हूं कौन था। कोका कोला कंपनी को शुरू करने वाला एक शिकंजी बेचने वाला व्यक्ति था। वो अमेरिका में शिकंजी बेचता था, पानी में चीनी मिलाता था। एक्सपीरियंस का आदर हुआ, हुनर का आदर हुआ, पैसा मिला, कोका कोला कंपनी बनी। मैकडॉनल्ड कंपनी का नाम सुना होगा आपने? मैकडॉनल्ड कंपनी का नाम सुना, सब जगह दिखती है मैकडॉनल्ड कंपनी। इसको चालू किसने किया, क्या करता था वो, कोई बता सकता है मुझे? ढाबा चलाता था। आप मुझे हिंदुस्तान में वो ढाबा वाला दिखा दो, वो ढाबा वाला दिखा दो जिसने कोका कोला कंपनी बनाई हुई। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को मुंबई में पार्टी के बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बीजेपी पर वार किए। राहुल ने अपने संबोधन में चार साल में बीजेपी और आरएसएस के कार्यों पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि लोकसभा में बीजेपी के मंत्री दावा करते हैं कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। राहुल ने कहा कि चीन में 24 घंटे में 40,000 लोगों को रोजगार मिलता है लेकिन बीजेपी के शासन में 450 लोगों को रोजगार मिलता है। युवा कह रहा है कि मैं युवा हूं, मेरे अंदर शक्ति है, मैं देश का भला करना चाहता हूं, मुझे रोजगार दो, और प्रधानमंत्री कह रहे हैं नहीं, तुम अपने देश को फायदा मत पहुंचाओ, तुम एक दूसरे से लड़ो, तुम एक दूसरे से लड़ो, काम करने की कोई जरूरत नहीं, मैं प्रधानमंत्री हूं, मेरे भाषणों से हिंदुस्तान चलेगा। अब इससे एक बार फिर से बहस छिड़ गई है। क्या कांग्रेस के अध्यक्ष में खुद को नरेंद्र मोदी के विकल्प के तौर पर पेश करने की क्षमता है जिससे वो अगले साल अपनी पार्टी को चुनाव जीता सके, देश के पीएम पद पर आसीन हो सके, या ऐसे बयान देकर वो आम लोगों के मन में बसना चाहते हैं? सवाल तो ये भी है, क्या वाकई में ऐसे बयानों से मध्यम वर्ग या ओबीसी वर्ग के लोगों के बीच राहुल गांधी लोकप्रिय हो पाएंगे? न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। शायद थोड़ा ज्यादा बोल गया मैं। तो क्या वाकई में राहुल गांधी गंभीर अपनी पार्टी को जिताने के लिए इस तरह के बयान देकर वो कहना क्या चाहते हैं, इसी पर हम आज चर्चा करने वाले हैं।
बिल्कुल कहना क्या चाहते हैं और इम्पैक्ट क्या कुछ होगा इस तरह के बयानों का, क्या वो स्वीकार हो पाएंगे, परिपक्व नेता के तौर पर अपनी पहचान बनाने में वो कामयाब हो सकेंगे, और जब चुनौती इतनी बड़ी है उनके सामने, देश के पीएम नरेंद्र मोदी को चुनौती वो देते हैं, क्या उनके बराबर के नेता बनने में कभी कामयाब हो पाएंगे, चर्चा करेंगे एक खास पैनल के साथ। बीजेपी से हमारे साथ संजय शर्मा जी है, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस के प्रवक्ता केवल ढींगरा साहब हमारे साथ है, आपका भी बहुत स्वागत है। इनेलो प्रवक्ता प्रवीण अत्री साहब हमारे साथ हैं, स्वागत है सर आपका। और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर नवीन रमन हमारे साथ हैं, सभी का स्वागत है। केवल ढींगरा साहब, क्या आपको नहीं लगता कि राहुल के भाषण कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा देते हैं? नहीं, देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, उन्होंने जो इसमें जो कहना चाहा, अब वो तो वही बताएंगे कि वो क्या कहना चाह रहे थे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा जो मुझे समझ में आ रहा है मैं वो बताना चाहता हूँ कि उन्होंने ये कहना चाहा कि जो कोका कोला कंपनी वाले हैं, जो वो एक पहले फार्मिस्ट थे और उन्होंने स्टार्ट ही जो जीरो से शुरू किया, शिकंजी भी बेचना, इसे डाउन टू अर्थ फ्रॉम जीरो से काम शुरू करना। ठीक है सर, बीच में रखूं आपको, आपको समझ आया वो क्या कहना चाहते थे? हाँ, बोल रहा हूँ ना भाई। हाँ जी, आप बोलने नहीं दे रहे जी, बोलिए आप सुनिए फिर मैं क्या बोल रहा हूँ ना, आप समझे। आपने ये कहा कि वो उनका कहने का मतलब ये था कि वो कोका कोला वाले एक किसी टाइम पे जीरो से स्टार्ट करके एक फार्मिस्ट थे जिन्होंने डाउन टू अर्थ जीरो से काम शुरू किया। इसी तरह मैकडॉनल्ड का भी बेचते हैं सर, देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। शिकंजवी बेचना के भाषण से क्लियर नहीं हो पाया। शिकंजवी बेचने का मकसद, शिकंजवी बेचने का मकसद जो है वो है कि वो जीरो से काम शुरू करके यहां तक पहुंचे। उनका कहने का मतलब ये है उसमें, नहीं राहुल गांधी ने नहीं सर, ये राहुल गांधी ने ये क्यों कहा कि वो वाकई में फार्मिस्ट थे, इसमें कहने में क्या दिक्कत थी? मैं आपको ये कह रहा हूं कि उन्होंने जो क्या जो था हमारे भारत में नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, या तो आप अपने व्यक्तित्व से बात करें या मैं जो कहना चाह रहा हूं उसको समझे, क्योंकि मैं एज कांग्रेस बोल रहा हूं जी, आप समझे कि उन्होंने उनका कहने का मतलब ये था कि उन्होंने जीरो से काम शुरू किया, चाहे वो मैकडोनल्ड हो चाहे वो कोका कोला हो। आप ये देखिए, जैसे नवीन जिंदल है, नवीन जिंदल के जो फोर फादर्स थे उन्होंने जीरो से काम शुरू किया, और जिस तरह से धीरू भाई अंबानी है उन्होंने भी जीरो से काम शुरू किया। नहीं, तो कहने का मतलब ये था, सवाल वही कि भारत का उदाहरण क्यों जीरो, नहीं सवाल वही था कि भारत का उदाहरण क्यों नहीं दिया उन्होंने। बात ये है, आपकी बात आप बताए, आप चलो मान ली बात, अब आपकी बात करते हैं, वो अगर कोका कोला वाले का आप जिक्र करते हैं उन्होंने जीरो से शुरू किया, वो अगर मैकडोनल्ड का करते हैं या वो नवीन जिंदल या धीरू भाई अंबानी का जीरो जीरो से करें, उसमें क्या अंतर है? बात तो ये है कि देश स्टार्टेड फ्रॉम जीरो, चाहते हैं कि भारत में स्किल्स की कोई रिस्पेक्ट नहीं की जाती, वो मंच से साफ बोलते हैं इस बात को कि कोई इज्जत नहीं की जाती, कोई वैल्यू ही नहीं है। जब भारत में इतने बड़े नाम है, क्यों राहुल गांधी वो नाम नहीं ले सकते, क्यों परेशानी है उनको? देखिए जो ये तो आप उनसे, राहुल जी से पूछे ना कि आपने क्यों नहीं नाम लिया, वही बता देंगे, लेकिन मैं आपको जो स्किल की बात बता रहा हूँ, ये स्किल जो है वो सारी कंट्रियों में है ना, हम बहुत पुरानी कंट्री है हमारी इंडिया, और बाकी के जो लोग हैं जो समझ में आया उन्होंने वो बात बोल दी। इसमें 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 ये इशू जो है वो हाइपोथेटिकल है बेसिकली, आप ये समझे कि उन्होंने कोई भी बात की, लेकिन उनका जो मकसद है कहने का वो अगर समझे तो मैंने बता दिया आपको, वो कैसे हो सकता बेसिकली मकसद बता दिया जो मुझे समझ में आ रहा है। नहीं, बाकी तो आपको समझ ये आया है लेकिन दूसरों को समझ नहीं आ रहा, सोशल मीडिया पर आपने मुझे बुलाया तो मैं ही उसका जवाब दूंगा। नहीं, आपने तो सही बोला फार्मिस्ट थे, लेकिन वो तो और कुछ बोलते दिखाई दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं, सवाल हमारा इसलिए ये कह रहे हैं, भारत में स्किल्स है ठीक है, रिस्पेक्ट होगी नहीं होगी वो, देखिए स्किल का मतलब भी ऐसा है कि लेकिन भारतीय उदाहरण क्यों नहीं जीरो टू नाउ कोका कोला कंपनी तक, तो स्टार्ट उसका मीन तो यही है। आप भी क्या यही नहीं था, शिकंजी बेचता था, कोका कोला की कंपनी बनाई गई, झूठ बोलने की क्या जरूरत पड़ती है राहुल गांधी को मन से? देखिए झूठ की बात नहीं है, पहली चीज तो ये है कि अभी ढींगरा जी बोले कि ये तो आप राहुल जी से पूछिए, ढींगरा जी आप खुद कह रहे हो आप कांग्रेस के प्रवक्ता हो तो राहुल जी की बात का जवाब तो आप ही दे रहे हो ना, फिर आप ये ना कहिए ना कि राहुल जी से पूछिए, नहीं मैं तो जवाब भी दे रहा हूँ, लेकिन आप ये ना कहिए राहुल जी से पूछिए, आप उनकी बात का जवाब आपको देना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूँ, मैंने जवाब दिया ना प्रवीण अत्रे जी, मैंने आपको जवाब दिया। यहाँ पे ज्योति जी आपने एक जो क्वेश्चन, बिल्कुल वैलिड सही पॉइंट, कि अगर राहुल जी ढींगरा जी की बात अगर हम मान लेते हैं कि वो ऐसा उदाहरण देना चाहते थे कि जो लोग जमीनी स्तर से उठ के जिन्होंने बहुत ज्यादा तरक्की की है तो उनको हिंदुस्तान के अंदर बहुत से उद्योगपति, बहुत से बड़े व्यापारी, बहुत से कॉर्पोरेट हाउस ऐसे हैं जिनका वो एग्जाम्पल दे सकते थे, लेकिन राहुल जी को शायद हिंदुस्तान के उन उद्योगपतियों को याद नहीं आई। लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है, अब वो जिनका एग्जाम्पल दे रहे हैं वो तथ्य मुझे हैरानी इसलिए है कि शायद राष्ट्रीय परिदृश्य में देखें जो राष्ट्रीय नेता राहुल जी हैं चाहे मोदी जी हैं,
कहीं ना कहीं शायद एक धारणा बना ली है कि आप तथ्यों को गलत ढंग से भी पेश करोगे तो शायद जनता नहीं समझेगी। ये एग्जांपल आप देखिए, मोदी जी की बात मैं इसलिए कर रहा हूं, कर्नाटका के चुनाव में आपने देखा था मोदी जी ने अपने भाषणों में जनरल थिमैया का जिक्र किया था, फील्ड मार्शल करियप्पा का जिक्र किया था, और उनका जिस तारीख के लिए जिक्र किया वो दोनों गलत थी। वहां पे उन्होंने उस तरह का अजीबोगरीब झूठ बोला। अब वो उन्होंने किस तरह से बोला, उनका भाषण लिखने वाले ने गलत लिखा या उन्होंने गलत बोला, वो वही बताएंगे खैर, या संजय जी बताएंगे। यही लगभग काम जो है अभी राहुल जी ने, राहुल जी मैकडोनाल्ड का जिक्र करते हैं। हाँ। शायद राहुल जी को मैकडोनाल्ड के बारे में मुझे लगता है कि पूरी जानकारी शायद नहीं है, क्योंकि जो मैकडोनाल्ड ब्रांड है, जो नेम ऑफ मैकडोनाल्ड, ये दो भाई थे, लेकिन इन भाइयों का ब्रांड तो एक इंश्योरेंस बेचने वाले ने फ्रॉम द डे वन कैप्चर कर लिया था। वो भाई तो इस कंपनी में है ही नहीं जिनके नाम से ब्रांड है, तो कहीं ना कहीं वो भी तथ्य कमी से जूझ रहे थे। राहुल गांधी को इतना परिपक्व नेता हालांकि नहीं माना जाता अभी तक, जिस तरह के भाषण वो देते हैं, बहुत बार मजाक का पात्र भी बनते हैं, क्या बीजेपी के लिए बहुत आसान ही बात है कि विपक्ष के तौर पर कोई बहुत बड़ा नेता आप लोगों के सामने रखे? ज्योति जी, एक स्वस्थ लोकतंत्र के अंदर, एक देश के अंदर स्वस्थ लोकतांत्रिक पार्टी का होना और उसके परिपक्व नेताओं का होना बहुत आवश्यक है, तभी हमारे देश के संविधान का, हमारे देश के लोकतंत्र का दुनिया के अंदर जो प्रसिद्धि है वो संभव है और वो ठीक से चलेगा। लेकिन मेरे को कांग्रेस के नेताओं की, उनके प्रवक्ताओं की दुविधा समझ में आती है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे नेता को अध्यक्ष बना लिया है जो नेता अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर पाता। यानी कि एक अगर कांग्रेस का प्रवक्ता भी चैनल पे ये कहेगा जी ये वही जवाब देंगे, यानी कि उनको खुद को भी समझ में नहीं आया, वो डिफेंड करने की कोशिश तो कर रहे हैं क्योंकि उनका दायित्व है। लेकिन उनको बेचारों को खुद भी समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या कहना चाहते हैं। चलो आपने जो कहा तो मैं आपकी भावना को कदर करता हूं, आप उनको डिफेंड करिए, आपका दायित्व है। मोदी जी ने लेकिन झूठे भाषण दिए, लेकिन उसके बारे में आप क्या, आपने कह लिया वो भी कहीं कुछ बोलते हैं उल्टा सीधा जी, आप अपनी बारी में कहना, मैं जब मोदी जी कुछ बोल देंगे तो उस विषय में बताऊंगा। लेकिन जहां तक बात है उनके इस बयान की, देखिए उन्होंने पूरी दुनिया के बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं या जिन्होंने जीरो से अपना काम शुरू करके आज इतने बड़े बड़े वो बने हैं, तो एक तरह से भारत के किसी व्यक्ति का नाम ना लेकर के पूरी दुनिया के अंदर भारत की नाक कटवाने का काम किया है, भारत को नीचा दिखाने का काम किया है। वो ये बताना चाहते थे कि भारत के अंदर कोई भी व्यक्ति निचले काम से शुरू होकर ऊपर तक नहीं जा सकता। मेरी बात पूरी होने लगी, एक मिनट उसके बाद मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। लेकिन उन्होंने उनका नाम ना लेकर के भारत की तौहीन की है और उसके लिए उनको माफी भी मांगनी चाहिए। लेकिन उनको यह भी जवाब देना पड़ेगा कि देश के अंदर 70 साल की आजादी के पहले 60 साल तक तो कांग्रेस का शासन रहा है। इसका मतलब एक, आपने एक भी व्यक्ति को ऐसा नहीं सुविधा दी अपनी सरकार के समय कि वो तरक्की कर पाए, कि वो आगे बढ़ पाए। एग्जांपल आप दे पाए स्टेज से जी। शर्मा जी ये भी कहते हैं, एक सवाल और ले लेते हैं आपसे, कि 24 घंटे में चीन में 40,000 रोजगार मिलते हैं, ये सवाल भी उन्होंने किया, और आपकी सरकार सिर्फ 450 देती है 24 घंटे में, और चार साल की बात हमारी सरकार से 7 लाख बनता है कुछ। हमारी सरकार दे तो रही है ना कुछ ना कुछ, काम हमने शुरू किए हैं उसके कारण से रोजगार सृजन भी हो रहा है, नए नए उद्योग भी लग रहे हैं, लोगों को काम भी मिल रहा है, सारी बातें हो रही है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि कांग्रेस के लोग अपने शासन को भूल जाते हैं कि उन्होंने देश की आजादी के बाद क्या किया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ नहीं किया, नेहरू जी ने कुछ नहीं किया, गांधी इंदिरा गांधी जी ने कुछ नहीं किया या बाकी प्रधानमंत्रियों ने कुछ नहीं किया, लेकिन जितनी स्पीड होनी चाहिए थी काम की वो स्पीड से काम नहीं हुआ और देश उतनी तरक्की नहीं कर पाया जितनी तरक्की ये देश कर सकता। नवीन रमन जी कैसा लगता है कि अंदाज जो की कहानी सुनाते हैं राहुल गांधी, और उनकी कहानी को कई बार ऐसा लगता है कि खुद राहुल भी नहीं समझ पाते कि कहां से शुरुआत की थी और पहुंचना कहां पे चाहते थे। जी मुझे जो राहुल गांधी का बयान है इसमें जो भारतीय कॉन्टेक्स्ट के जो निचले स्तर से ऊपर उठकर गए हैं उनका शायद इसलिए नहीं लिया क्योंकि पुराने संदर्भों में कांग्रेस ने चाय पकौड़ा का इतना मजाक उड़ाया था, उस संदर्भ में मुझे लगता है कि उन्होंने शायद उस कॉन्टेक्स्ट से बाहर, क्योंकि जैसे ही भारत के किसी व्यापारी का नाम लेते हैं तो तुरंत चाय पकौड़ा विमर्श फिर दोबारा से केंद्र में आ सकता था। दूसरी बात, जैसे महात्मा गांधी जी विदेश से आके भारत के कोने कोने तक देश को समझने के लिए गए थे, ऐसे ही मुझे लगता है कि राहुल गांधी को भी एक बड़ी जरूरत है देश के छोटे हिस्से गांव कस्बों को समझने की। शायद वो सोचते भी ग्लोबल लेवल पर हैं और बोलते भी ग्लोबल लेवल पर हैं, जबकि भारतीय जनमानस के हिसाब से वो कहीं भी इस सिनेरियो में फिट नहीं हो पाते। ठीक है, केवल डिंगरा साहब, आपसे सवाल ये बनता है अब इस वक्त कि चाय और पकौड़े का आप मजाक उड़ाते हैं भारत में और अमेरिका के ढाबे वाले का उदाहरण दिया जाता है और शिकंजी बेचने वाले का, हालांकि वो तथ्यात्मक कितना है वो अलग विषय है, अलग पहलू है, लेकिन भारत में इसी बात का मजाक उड़ाया जाता है।
अपनी सुविधा की राजनीति कर रहे हैं आप लोग कि सरकार को घेरना है तो चाय बेचने वाले पकौड़े बेचने वाले का मजाक उड़ालेंगे। नहीं देखिए, ये मोदी जी ने 4 साल के अंदर पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की जी टीवी के साथ, और पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बोला कि हमें जो रोजगार देना था, क्योंकि उसने सवाल ये उठाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी सर, अरे प्रेस कॉन्फ्रेंस इंटरव्यू था, इंटरव्यू था, उस इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा कि फर्स्ट इंटरव्यू था 4 साल का। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उस इंटरव्यू में क्या बात हुई, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि आपने 2 करोड़ जो नौकरियां 1 साल में देनी थी उसका क्या हुआ, 4 साल में 8 करोड़ नौकरियां लग जानी चाहिए थी आज तक, तो उन्होंने कहा हमने लगा दी। ये जो पकौड़े बेचने वाले हैं, ये जो चाय बेचने वाले हैं, ये रोजगारी तो है, तो ये रोजगार का मजाक नहीं तो और नहीं, इससे ज्यादा क्या है, ठीक है, ठीक क्योंकि है। इन्होंने ये कहा कि जितने इंजीनियर, जितने लोग डॉक्टरी करके आएंगे, जितने लोग पढ़ लिख के बाहर आएंगे, तो वो लोग कहां लगेंगे, तो पकौड़े बेचेंगे। ये बात मोदी जी के मुंह से निकली हुई बात है जिसका ये उपहास हुआ। केवल ढिंगरा साहब, क्या भारत में गुंजाइश नहीं है, संभावना नहीं है कि चाय पकौड़े बेचने वाले यहाँ भी जीरो से हीरो बन सकते हैं? आप अमेरिका की बात करते हैं सर, मैं तो कह रहा हूँ आपको मोदी जी का, कोई भी आदमी जीरो से हीरो बन सकता है, ये बात राहुल जी ने कही है, उनका संदर्भ यही था। लेकिन एक बात बताएं, जो सारे देश की जरूरत है जीरो से हीरो बनने की, ये बात कहना बिल्कुल ठीक है आपकी बात, लेकिन मैं आपको ये कहता हूँ, जो बच्चा इंजीनियरिंग कर लेगा, जो बच्चे को उसके फादर मदर इंजीनियरिंग करा देते हैं, क्या वो पकौड़े बेचे, ये संदर्भ है उसमें। लेकिन यहाँ पे संदर्भ की बात और थी कि एक आदमी जीरो से अगर स्किल में हीरो बन सकता है, कोई काम में भी हीरो बन सकता है, तो वो बात उन्होंने कही, वो एक अलग मैटर है, वो एक अलग मैटर है, उसको हम कंक्लूड नहीं कर सकते ना। अभी अभी जो 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 जिस संदर्भ में बात हो रही है, हम उसी संदर्भ में बात करें तो वो समझ आएगा। संदर्भ अलग अलग है। अत्रे साहब, आपके पास आना चाहेंगे, 2010 में भी एक इसी तरह का कुछ बयान दिया था, काफी खिल्ली उड़ी थी राहुल गांधी की, उन्होंने कहा था कि राजनीति तो आपकी जेब में है, आपके पेंट में, हर जगह है। देखिए, राहुल गांधी के जहाँ तक बयान का जिक्र करें, राहुल गांधी के तो ऐसे बेशुमार बयान हैं जिसके ऊपर आप लंबी चर्चा कर सकते हो और ये सवालिया निशान खड़ा कर सकते हो कि क्या वाकई राहुल गांधी काबिल हैं कि वो पार्टी या देश का नेतृत्व कर सके, इस पे सवालिया निशान तो हर बार हर रोज लगते हैं। ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, एक चीज तो क्या होती है, जब रोजगार सृजन की बात होती है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की तरफ से कहा जाता है कि रोजगार सृजन हो रहा है, लेकिन जब आप धरातल पे जाते हो तो सामने एक चीज समझ में आती है कि रोजगार घटे हैं, ना कि सृजन हुआ है। और दूसरी तरफ देखिए, इसमें भी कतई कोई दो राय नहीं है कि मोदी जी ने जो पकोड़ा बनने वाली जिक्र किया था वो काबिले एतराज जिक्र था। काबिले एतराज इसलिए है कि कोई भी बच्चा पढ़ लिख के अगर पकोड़ा बेचता है तो वो उसका स्वयं खुशी से अपनाया रोजगार नहीं हो सकता, वो जीवन यापन करने का जरिया तो हो सकता है कि वो अपना जीवन यापन कैसे करे, एटलीस्ट उसने पकोड़ा बेचना का काम शुरू कर लिया, लेकिन कभी भी क्या अपनी खुशी से एक पढ़ा लिखा बच्चा पकोड़ा बेचना चाहेगा? तो बेहतर रोजगार की तलाश में करेगा। और रोजगार सृजन जो है ज्योति, वो होता है जब बेहतर नौकरियों का सृजन हो, उसको रोजगार सृजन कहेंगे। और जैसे एक चीज और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप फैक्ट्स को जाकर देखें, स्किल डेवलपमेंट की बात हुई थी, और लेकिन जब हम स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं और जब हम धरातल पे जाके देखते हैं कि स्किल डेवलपमेंट से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको रोजगार प्राप्त हुआ, डाटा ये कहता है कि प्रति वर्ष अगर हम आईटी सेक्टर में ही चले जाएं, सर्विस सेक्टर, क्योंकि हम सर्विस सेक्टर का जिक्र इसलिए करते हैं, हमारी जीडीपी में सबसे मेजर जो पार्ट है वो सर्विस सेक्टर का है, तो जब उस पे जाते हैं तो वहीं हम जाके देखते हैं कि बजाय रोजगार सृजन होने के हर साल रोजगार घट रहा है वहां पे, और घटने के पीछे कारण क्या है कि सरकार की गलत नीति है। अब दूसरी तरफ, एक तरफ तो ये कहते हैं कि साहब देखिए हमने उद्योग लगा दिए, एचएमटी का एग्जांपल आपके सामने है, उद्योग बंद हो गया है, और जो बैंकिंग फाइनेंस है इंडस्ट्रीज को वो घट रहा है, वो 0.7 पे आ चुका है, जब बैंकिंग फाइनेंस टू इंडस्ट्री कम हो जाएगा तो नए उद्योग कहां से लग गए? तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसके ऊपर सोचना चाहिए सरकार को कि सरकार की जो नीतियां हैं वो बजाय बेहतर ऑप्शन देने के, बेहतर जो साधन देने के, कहीं ना कहीं उनमें कमी आ रही है, ये बहुत बड़ा सवाल है इस वक्त। संजय शर्मा जी, क्या लगता है कि 2019 के लिए काफी आसान हो जाता है बीजेपी के लिए जब इस तरह के बयान आते हैं राहुल गांधी के? कोशिश तो वो करते हैं कि वोटरों का जो मन है उसको हासिल किया जाए, उनके मन में कुछ ऐसी बात बिठाई जाए जिससे कि कांग्रेस को वोट मिल जाए, लेकिन बीजेपी उस पर भी कहीं ना कहीं कटाक्ष करके वोटों को अपनी ओर तब्दील कर लेती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या भारतीय जनता पार्टी पार्टी के नाते काम करती है, वो वोट बैंक की राजनीति के आधार पर किसी ना बयान को लेती है ना किसी का मजाक उड़ाती है। लेकिन देश को ये भी सोचना है
कि जो पार्टी चाहती है कि 2019 में उनको दोबारा सत्ता सौंप ली जाए, उसका प्रमुख किस तरह के बयान देता है, जो कहता है कि एक मशीन ऐसी बनाएंगे, एक तरफ से आलू डालेंगे और दूसरी तरफ से सोना निकलेगा, मतलब इससे बड़ा भाषण का एक हिस्सा नहीं, नहीं, था। वो एक हिस्सा था। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। सुनिए, ये दूसरी बात, दूसरी बात छाट के अलग से पेश करने की बात थी। आप गलत कह रहे हैं संजय जी, वो कांच छाट के किया गया था, हमने कह दिया वो बात, ठीक है ठीक। दूसरी बात क्या है कि देश के अंदर आज तक केवल मात्र नौकरी देने के लिए पढ़ाई करवाते रहे कि आपको नौकरी देंगे, लेकिन देश के अंदर नौकरियां कितनी हैं? किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नौजवान को कुशलता नहीं दी गई, उसकी स्किल का डेवलपमेंट नहीं किया गया, उसका कौशल का विकास नहीं किया गया। सुनिए, आपने चार साल में क्या कर दिया, मैं बता रहा हूं, आपने चार साल बताइए। देखिए, हमारी सरकार ने 2015 के अंदर केंद्र के अंदर कौशल विकास योजना का प्रारंभ किया और 15 जुलाई के बाद 596 जिलों में हमने 8479 प्रशिक्षण केंद्र खोले, जो कौशल विकास के प्रशिक्षण केंद्र हैं। उनके माध्यम से जिन नौजवानों ने प्रशिक्षण दिया उनको लगभग 1,22,00,000 रुपए का बजट हमने 2016-17 में किया गया और लगभग 2,50,00,000 रुपए का बजट 2017-18 के बजट में किया, जो कि उन्होंने खुद ऋण लेकर के, जिसमें 70% ऐसे लोग हैं जो एससी या महिला बिरादरी से महिलाएं हैं, उन उद्यमी को लेके हम स्वरोजगार देने की बात करें। प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल लोग सड़कों के ऊपर है, देखिए प्रैक्टिकल लोग जो है वो कुछ किसी को नहीं मिल पा रहा, प्रैक्टिकल जो है आपको गाहे बघाए हरियाणा के अंदर सारे लोग सड़कों के ऊपर नजर आ रहे हैं। आप ये देखिए 1.5 लाख रोजगार इस समय हरियाणा को जरूरत है, लेकिन आप लोगों ने सवाल कर रहे हैं, हम विषय से नहीं भटके। रमन जी, आपके पास आना चाहेंगे, क्या लगता है कि इस तरह की जो भाषा इस्तेमाल की जाती है, बातें की जाती है, सभी को मालूम होता है कि आज किस तरह से जो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है, कहीं ना कहीं नॉलेज बढ़ाने का तो काम किया है राहुल गांधी ने, लेकिन जो भलाई का काम किया उससे ज्यादा नुकसान हुआ है। देखिए, जब से राजनीति में पीआर एजेंसियों का हस्तक्षेप बढ़ा है, तब से ये विश्व स्तर पर समस्या है कि राजनीति मनोरंजन का एक हिस्सा बनकर बन गई है। क्या ये मनोरंजन ही है? हाँ, एक मनोरंजन ही है, क्योंकि इससे क्या है, आपके बिजली पानी जो भौतिक समस्याएं हैं उन पर तो बात होती ही नहीं। जो सोशल मीडिया के इशूज थे वो धीरे धीरे अखबारों के, टीवी चैनलों के, इनकी डिबेट का हिस्सा हो गए। हालांकि ऐसी रणनीति कोई भी पीआर एजेंसी सत्ता में बैठी हुई पार्टी को सौंपती है कि वो चीजों को मुद्दे से भटका के रखे, पर ये अजीबोगरीब लगता है कि राहुल गांधी विपक्ष में होते हुए ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जो कि सत्ता पक्ष को शोभा देती है ताकि उसको घेरा ना जा सके। वो विपक्ष में होते हुए शायद लगता है सत्ता पक्ष से अभी वो बाहर आए ही नहीं है, फीलिंग के स्तर पर शायद ये एहसास उनको अभी हुआ ही नहीं है कि वो विपक्ष में आ गए हैं, जबकि ये सोशल मीडिया के इश्यूज हैं, टीवी डिबेट मुझे लगता नहीं कि होना चाहिए। पत्रकार भाई ने कहा कि राहुल गांधी जी ऐसे बयान देते हैं कि जो सत्ता पक्ष के हक में या सत्ता पक्ष के लाभ में चले जाते हैं, तो इनडायरेक्ट वे ये कहना चाहिए कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी बीजेपी के पेरोल पे काम तो नहीं कर रहे हैं कि वो इतनी अपॉर्चुनिटी देते हैं सत्ता पक्ष को। सोशल मीडिया पे तो उन्हें स्टार प्रचारक कहा ही जाता है। देखिए, एक चीज और है, मैं जो कहना चाहूंगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी है वो, जहां तक अभी जैसे पत्रकार भाई बात कर रहे थे कि कुछ नेताओं की बौद्धिक क्षमता राजनीति में नेतृत्व क्षमता से मैच ही नहीं करती, और हो ये रहा है कि ऐसे में, अब मैं एक एग्जांपल देता हूं, अब दीपेंद्र हुड्डा साहब पार्लियामेंट में अगर ये बात कहते हैं कि हम 2-2 फुट के आलू उगाते हैं, एक वो खुद को किसान का बच्चा बताते हैं और फिर इस तरह का अगर बयान देते हैं तो वाकई हास्यास्पद था। वो वाकई उससे ये लग रहा था कि इनकी बौद्धिक क्षमता इनको क्या सपोर्ट करती है कि ये लोगों का नेतृत्व कर सके। उसके साथ साथ देखिए, एक बड़ी और महत्वपूर्ण चीज जो यहाँ पे अभी भाजपा प्रवक्ता ने कही थी, कौशल विकास योजना का, उसके लिए बहुत जरूरी है। देखिए, इन्होंने कहा 2,50,000 करोड़ रुपए का बजट था, राष्ट्रीय स्तर पर तो मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन हरियाणा की अगर मैं बात करता हूँ, जो आईटीआई इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पे ये कौशल विकास योजना की इंप्लीमेंटेशन की बात करते हैं, आरटीआई से मिली जानकारी ये बताती है कि फी बच्चा आप 1,07,000 रुपए पर मंथ खर्च कर रहे हो। इज इट पॉसिबल? क्या ये संभव है ज्योति? क्या 5,000 या 7,000 रुपए एक सफिशिएंट नहीं है एक बच्चे के लिए पर मंथ, अगर आप आईटीआई के अंदर उसको ट्रेनिंग दिलवा रहे हो? तो वो जो 2,50,000 करोड़ रुपया है वो किसकी जेब में जा रहा है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये जानने वाली चीज है। और कुछ सवाल भी थे, लेकिन केवल ढींगरा साहब, आपसे सवाल ये है, आपको लगता है कि देश की जनता राहुल गांधी को कभी गंभीरता से ले पाएगी अगर इसी अंदाज के साथ वो हमेशा पेश आते रहे?
देखिए एक बात तो सीधी ये है, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो बात कही उसको तोड़ मरोड़ के पेश जो बीजेपी कर रही है, जो शुरू से एक सिस्टम बनाया जा रहा है, वो तो उन्होंने खुद भी कहा कि मेरे बयानों को तोड़ मरोड़ के हर समय पेश करती है बीजेपी। कोका कोला जिसकी कंपनी है वो शिकंजी बेचता था, क्या ये तथ्यात्मक? देखिए ये पब्लिक तोड़ा और मरोड़ा जा सकता है? देखिए मैं तौर पर गलत कहा गया। देखिए बुनियादी तौर के ऊपर जो इस समय हमारे देश के मुद्दे हैं वो एक राहुल गांधी मुद्दा नहीं है। मुद्दे हमारे देश के अंदर ये है कि जवानों को रोजगार मिलना चाहिए। आप ये देखिए, नहीं आप सुन लीजिए ना, बड़ी पुरानी राष्ट्रीय अध्यक्ष आप, है, क्या देश की जनता उनको गंभीरता से ले सकती है उनके इसी अंदाज के साथ? इस बात का देखिए आप, मैं वही बात कह रहा हूँ, आज भी हम जिस मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं आप एक जो बात कर रहे हैं, मैंने आपको ये पहले ही आते हुए ये कहा कि उन्होंने जो बात कहने का जो उनका संदर्भ था वो ये था कि वो जीरो से ही उसकी बात कर रहे हैं, बड़े होने की बात कर रहे हैं। लेकिन आज मुद्दा ये नहीं है देश का, आज मुद्दा देश का ये है कि जो इस समय देश के अंदर चार साल की घटनाएं बढ़ रही हैं, जो रोजगार नहीं है, जो आम कर्मचारी पिस रहा है, जो इस समय जो हालात हो रहे हैं देश के, उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। चर्चा कीजिए ना, जो राहुल जी ने, मैं आपको कह रहा हूं ना, ऐसे उठपटांग जवाब दे हमारे देश के अंदर क्या साहब, काफी गंभीर सवाल है। ऐसे उठपटांग जवाब देकर या सवाल करके क्या लगता है कि 2019 में मोदी को चैलेंज आप कर पाएंगे क्या? बिल्कुल करेंगे चैलेंज। हम सवाल जवाब देखिए, अब मैं वही बात कह रहा हूं, चैलेंज हम हर टाइम हर जगह पे कर रहे हैं। राहुल जी ने जो कितने सवाल ऐसे उठाए, उन्होंने रफेल डील का मामला उठाया, कोई जवाब नहीं दे रहा। उन्होंने जो हमारे यहाँ से है क्या? चौकीदार जो है वो जो लोग नहीं, वो हमारे चौकीदार बैठे रह गए और लोग जो है बैंकों का पैसा ले लेके बाहर भाग गए, कोई जवाब नहीं आ रहा। जो कृषि क्षेत्र में लोग जो काम कर रहे हैं, जिनको हालात उनकी दयनीय हो चुकी है, उसके ऊपर कोई बात नहीं हो पा रही। जो जितने लोग हमारे देश के अंदर हैं, अमित शाह के बेटे जैसे, उनके खातों में इतने इतने पैसे कैसे भेज रहे होते हैं, उनके ऊपर कोई बात नहीं हो रही। बहुत मजबूती के साथ इस तरह से बात कर पाए, देखिए इंपैक्ट नजर आए, कभी रख पाए बात को इतनी गंभीरता के साथ कि राहुल को गंभीरता से लिया जाए? बिल्कुल, हर रोज वही रखते हैं ये सारी बातें, देश के मुद्दे राहुल गांधी जी के मुख से ही निकले हुए। रफेल डील की बात उन्होंने उठाई, बैंकों की बात उन्होंने उठाई, सारी बातें वही उठाते हैं। हम तो एक हरियाणा की डिबेट करते हैं, हरियाणा से बात करते हैं, आपने सेंटर की डिबेट का आज देखिए, अगर जो मुद्दे होने चाहिए, देश के फौजी सड़कों के ऊपर है, उनको वन रैंक वन पेंशन मिलना चाहिए, ये सरकार का वादा है, तो दिया नहीं, नहीं, साल में नहीं, आपने वादा किया ना, आप इसका मतलब ये है कि हमने दे तो दिया। देश का मुद्दा क्या है, दिया है ये डिस्कस नहीं हो रही कि आपने क्या दिया क्या नहीं दिया। देश का मुद्दा स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करने का आपने नहीं किया। वो कहते हैं कि इन्होंने अच्छे दिन दे देते ना, बनने को तैयार है, देखिए देश की जनता विश्वास करे। इन्होंने 2014 के अंदर हो गए हैं राहुल ज्योति जी, नेता के तौर पर पहचान है उनकी, ज्योति जी इतना गंभीरता से देश की पब्लिक उनको ले सकती है। देखिए मैं आपको कह रहा हूँ, 2014 के अंदर देश के मुद्दे आएंगे, 2019 के अंदर, 2014 में इनके जो वायदे थे वो उसका आकलन होगा, उसके आकलन में क्या क्या था, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू पहली कलम से करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में अभिनय दे दिया, दलित समुदाय को ओबीसी सम्मेलन भी बुला चुके हैं, जातिगत जितने भी समीकरण हो सकते हैं उनको साधने की कोशिशें हैं, लेकिन जब भी वो मंच से बोलते हैं उनके भाषण में कहीं ना कहीं इस तरह की बातें नजर आ जाती हैं कि उनको बहुत गंभीरता से नहीं लिया जाता। देखिए ज्योति, पहले तो ये जो ओबीसी सम्मेलन इन्होंने बुलाया है ये केवल एक राजनीतिक स्टंट के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि 60 साल के इतिहास में कांग्रेस के राज के समय ओबीसी के लिए बातें तो बहुत की, लेकिन ओबीसी के लिए कोष जो आयोग था उसको संविधान का दर्जा तक नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने संविधानिक दर्जा दिया ओबीसी आयोग को, लेकिन कांग्रेस ने उसको, क्योंकि राज्यसभा में इनकी मेजोरिटी थी, वहां पर जाकर अटका दिया। यानी कि कांग्रेस के लोग ये ढकोसले तो करते हैं, मगर मच्छी आंसू तो बहाते हैं कि हम ओबीसी के समर्थक हैं, लेकिन ओबीसी के लिए कुछ नहीं किया। हाँ। दूसरी बात, अभी ढिंगरा जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, तो मुझे ये लगता है कि राहुल गांधी के नेतृत्व पे इनको भी विश्वास नहीं है, इनको भी लगता है। अरे सुन तो लीजिए, जो आपने कहा ना उसको देखिए, आपने आपके कहने से कैसे हो जाएगा, सुन तो लीजिए, आप जो मर्जी कह रहे थे, आप जो मर्जी कहे, आपको कहने से क्या, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा, सुन तो लीजिए, आप देखिए, ये मेरी बात, विश्वासघात भैया है, राहुल गांधी जी ने भेजी है, ये तो ये
खराब करने वाली बात था। ज्योति के बारे में आपका क्या कहना है? ज्योति जी, ये तो डिबेट को खराब करने वाली बात है। मैं ये कह रहा हूँ, सारे मुद्दे राहुल गांधी जी द्वारा उठाए गए। सुन तो लीजिए, आपने कहा कि राहुल गांधी मुद्दा नहीं है। सवाल तो इसका मतलब राहुल गांधी को अपना अध्यक्ष नहीं मानते, उनको मुद्दा ही नहीं मानते। जब जब राहुल का कद बढ़ता नजर आता है, तब तक कांग्रेस के बड़े नेताओं ने इस तरह की बयानबाजियां की है कि राहुल की मुश्किलें बढ़ी हैं और कांग्रेस की भी मुश्किलें बढ़ी हैं। आएंगे अत्रि साहब आपके पास, उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेते हैं, उसके बाद चर्चा को जारी रखेंगे। तो राहुल गांधी 2019 की तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन उनके बयान कांग्रेस और उनके लिए खुद जो है कहीं ना कहीं मुश्किलों भरा बनता जा रहा है। अभी हाल ही में उन्होंने नई दिल्ली में बयान दिया, उसके बाद बहस छिड़ चुकी है, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। अत्रि साहब आपके पास आना चाहेंगे, क्या लगता है कि ओबीसी को अपनी ओर खींचने के लिए जिस तरह से बीजेपी और मोदी काम करते हैं, कहते करते हैं, राहुल गांधी उस पर ध्यान ही नहीं देना चाहते? देखिए, पहली बात तो ये है कमल, के किसी भी वर्ग को अगर आप चाहते हैं कि वो आपको सपोर्ट करे, तो उसके लिए आपको उसके लिए काम करने पड़ेंगे, केवल बातों से बात नहीं चलेगी। अभी जैसे ढींगरा जी कह रहे थे कि चार साल में केवल बातें की है, काम नहीं किया। इन्होंने जिक्र किया स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का, बिल्कुल बात सही है ढींगरा साहब की, क्योंकि सरकार ने वायदा करने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे दिया कि हम रिपोर्ट लागू नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसका दूसरी साइड में आइए, जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जून 2006 में आ गई थी हरियाणा में, कांग्रेस की सरकार 2006 में आई थी जून में, और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी 2014 तक रही, इन्होंने रिपोर्ट को दबाए रखा, इन्होंने रिपोर्ट लागू नहीं की। तो जिस तरह से ढींगरा जी भाजपा के लिए जिक्र कर रहे हैं, वही हालात कांग्रेस के हैं किसान के लिए। इसमें थोड़ा सा अलग ये हो जाता है कि बीजेपी का चुनावी वादा था ये, निश्चित रूप से चुनावी वादा था, लेकिन उसके बाद जिस दिन जब ये रिपोर्ट आई थी, तो एक कमेटी बनी थी मुख्यमंत्रियों की, तीन मुख्यमंत्री थे, हुड्डा साहब उसको हेड कर रहे थे, प्रकाश सिंह बादल साहब थे, नीतीश कुमार थे। हुड्डा साहब ने बाकायदा ये बात कही थी कि हम रिपोर्ट को लागू करेंगे, वायदा तो इनका भी था, लेकिन इन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी की तरह किसान के साथ धोखा किया, इन्होंने उस रिपोर्ट को लागू नहीं किया। अभी एक बात का जिक्र आप कर रहे थे कि क्या राहुल गांधी जी मोदी जी को चैलेंज कर पाएंगे। देखिए, राहुल जी के तो हालात दिख रहे हैं, राहुल जी जो जिस तरह के भाषण देते हैं या जिस तरह की उनकी शब्दावली है, जिस तरह के ओरेटर वो हैं, और लोगों के अंदर जिस तरह से उनको हास्य का पात्र माना जाता है, तो वो तो कहीं नहीं दे पाएंगे। निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि मोदी साहब जो है प्राइम मिनिस्टर नेक्स्ट टाइम नहीं होंगे, भाजपा की सरकार नहीं होगी, थर्ड फ्रंट आएगा और थर्ड फ्रंट के नेता जो है वो चैलेंज देंगे मोदी जी को। सवाल तो यही है ना कि नेतृत्व कौन करेगा। मायावती की बात कर ले जाए तो राजनीति क्या आपको लगता है वाकई ये चीजें इतनी प्रैक्टिकल हैं कि मायावती को मानकर चल लिया जाए कि पीएम पद के उम्मीदवार वो होंगे? इस सवाल पर भी आएंगे, लेकिन फिलहाल राहुल गांधी चूंकि विषय है, देखिए साहब लगता है कि तीसरा मोर्चा अगर तैयार होता है तो राहुल गांधी सभी पार्टियों में स्वीकार्य हो जाएंगे, अपने इसी अंदाज के साथ, इसी कहानी सुनाने के अंदाज के साथ, इसी तरह से बातें और भाषण देने के अंदाज के साथ। देखिए, आपको एक और चीज बताऊं, देखिए जितने भी अभी जो दल थे जो कर्नाटक में दिखे थे, वो सारे के सारे दल जो थे वो कांग्रेस की स्टेज पे थे। और आपको ये भी बताना चाहूंगा, चाहे वो कांग्रेस की स्टेज मान लो, चाहे वो जेडीएस की स्टेज मान लो, मैं वो भी नाम ले रहा हूँ, क्योंकि जेडीएस और कांग्रेस का इकट्ठा गठबंधन हुआ, तो वो जेडीएस की स्टेज मान लो, चाहे कांग्रेस की स्टेज मान लो, पर मैं ये कहता हूँ कि जो सभी लोग इकट्ठे हुए, तो वो लोग इकट्ठे एक दल में इसलिए हुए क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि जिस तरह से चार साल का भारतीय जनता पार्टी की सरकार का शासन था, जिस तरह से लूट खूट जो हालात प्रदेशों के अंदर बने, आप ये देखिए, जो क्या राहुल विकल्प हो सकते हैं, सवाल वही है ना, वही इसी भी आ रहा हूं मैं। लेकिन बात समझे आप, जो हालात प्रदेश के अंदर देश के अंदर बन रहे हैं, आप ये देखिए, आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक आप सारे प्रदेश गिन लीजिए, सभी में दंगे हो रहे हैं, सभी के अंदर बुरी हालात हो रही है। वो लोग इसलिए इकट्ठे हो रहे हैं, कहां दंगे हो रहे हैं ढींगरा जी? मोदी जी ने जो चार साल दंगे कहां हो रहे हैं? दंगे कहां हो रहे हैं? जेएनके में हो रहे हैं। जेएनके में कौन सा दंगा हो रहा है? कौन सा दंगा हो रहा है? आप झूठ बात बोल रहे हैं। कांग्रेस का इतिहास आपको दिखा रहा हूं, गिन के हां 3 महीने में नहीं दंगे नहीं हुआ, झूठ बात बोल रहे हो आप, ने झूठ बात बोली, फौजियों पे बच्चे दर्ज किए, ये सारी चीजें होंगी और एक बार के लिए मान भी लें, लेकिन हाँ, कह रहा हूं, ये आगे जाने नहीं दे रहे से कैसे और क्यों जाए, यही बात कहना चाह रहा हूं। अभी जो बाल मुकुंद शर्मा फोन लाइन पर है, उनसे भी जान लेते हैं इस पर उनका क्या कुछ कहना है। बाल मुकुंद शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता है। बाल मुकुंद शर्मा जी, आपको एक बात बताऊं, अगर राहुल गांधी की आपने सुना भी होगा, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस बड़ी अजीब पार्टी है, इसमें कोई कायदा कानून नहीं है। क्या लगता है कि इस तरह के बयान और कल जो नई दिल्ली में बयान दिया, ये मुश्किलें नहीं बढ़ाता है कांग्रेस की? नहीं नहीं नहीं, राहुल जी ने जो कहा आप उसको गहराई से, कायदे कानून की बात राहुल जी ने नहीं की, जनवरी 2013 में कही थी सर, जनवरी 2013 में कही थी। ऐसी पार्टी है जिसमें कोई नियम नहीं है, 2 मिनट के लिए नियम तैयार होते हैं, इसका कोई संविधान नहीं है, आपने सुना होगा उस भाषण को कूड़ेदान में डाल देते हैं, तालकटोरा स्टेडियम में बोला गया। क्या आपको भाषण समझ में आया राहुल का?
क्या कहानी समझ में आई आपको? दर्जी की कहानी सुनाई गई, कोका कोला को लेकर जो बोला गया, मैकडी को लेकर जो बोला गया, हालांकि तथ्यात्मक भी नहीं था, लेकिन सवाल यही है कि आपको कहानी समझ में आती है राहुल गांधी की? मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जो राहुल जी आज कार्य कर रहे हैं उनका उल्लेख करने की जरूरत है। राहुल जी ने जैसे गुजरात में काम किया, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाया, राहुल जी ने कर्नाटक में जो काम किया, जो गोवा में और सिक्किम में जो भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र रचा, उस षड्यंत्र का मुकाबला हमने कर्नाटक में किया, आपको जवाब दिया भी भारतीय जनता पार्टी को। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में संगठन का ढांचा, जिस तरह से कांग्रेस ने एक संगठन सत्र पर काम किया राहुल जी के नेतृत्व में, सवाल राहुल के भाषण को लेकर है। क्या राहुल के भाषण आपको समझ में आते हैं? वो कहानी क्या सुनाते हैं? शुरू कहां से होते हैं, खत्म कहां पे करते हैं, और निष्कर्ष क्या निकलता है कहानी का? नहीं, कहानी का निष्कर्ष मनोबल बढ़ाने के, वो जो कहना चाहते थे उसके उनके भाव को समझिए आप। जनता किस तरह से समझेगी? क्या जिसे मालूम नहीं होगा कि एक कोका कोला बेचने वाला शिकंजी वाला है? कोई अगर आम आदमी से समझ ले कि ऐसा लगता है भ्रमित कर रहे हैं, मेहनत करके जमीन से उठ करके, नहीं आप ये बताइए आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं क्या इस तरह की बातें करके? काम के पैमाने तय किए, जो लोग नीचे से उठ के आते हैं, मेहनत कश लोगों की जो उन्होंने गंभीरता से लेने की बात की, लोग तो हिंदुस्तान में सैकड़ों एग्जाम्पल है जिनका उदाहरण राहुल जी दे सकते थे। क्या उनको सात समुन्द्र पार अमेरिका के लोग ही याद आए थे? देश का कोई उद्योगपति याद नहीं आया उनको? इससे पता लगता है कि उनके देश के लोगों से जुड़ाव नहीं है। इसलिए मैं एक बात और जोर देना चाहता हूँ, ये कह रहे हैं कि गोवा के षड्यंत्र का हमने कर्नाटक में जवाब दिया, तो क्या आपने वहां षड्यंत्र करके जवाब दिया? अरे तो मेरा अमेरिका का एग्जाम्पल है, वो भी गलत और वो भी तथ्यों से हटके। मैकडोनल्ड का इतिहास उनको शायद नहीं पता, वैसे मैं सलाह देता हूँ, उनका फाउंडर करके एक फिल्म बनी थी मैकडोनल्ड पे, वो दिखवा दीजिए राहुल जी, पता लग जाएगा मैकडोनल्ड के बारे में। लेकिन देश के आपने कहा, नहीं नहीं अत्रे साहब, उन्होंने कहा कि बहुत छोटी मानसिकता, आप किसे कह रहे हैं सर? आप छोटी मानसिकता है, वसुधैव कुटुंबकम, आप किस बात कर, आपका तो भारत के स्किल का मनोबल बढ़ाने के लिए अमेरिका का उदाहरण देते हैं मंच से, फिर कहते हैं कि मानसिकता छोटी है, तो कहते हैं कि जिनका नाम लिया जाए, ये जो इनका प्रधानमंत्री है साल में छह महीने बाद देश का होता है भाई, प्रधानमंत्री मुकुल शर्मा जी, आप छोटी मानसिकता कह रहे हैं, बुरे मानसिकता आपकी छोटी है। राहुल गांधी ने यही कहा था कि गरीबी भी एक मानसिकता है, इस पर क्या कहेंगे आप? क्या गरीबी में एक मानसिकता है? क्या मानसिकता है गरीबी? उसके बाद पूरे देश में गरीबी पर बहस छिड़ गई थी। कांग्रेस ने गरीबों को उठाने के लिए जो जो काम किया वो तो एक अनुकरणीय उदाहरण है, दूसरे देशों में भी उदाहरण दिया जाता है कि कैसे भारत ने प्रोग्रेस की आजादी के 70 साल में। आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि राहुल जी के बयान का तो भारत का है, वो किसकी बदौलत है? कांग्रेस की बदौलत है। एक मिनट बाल मुकुल जी, आप तुलना करने लग जाते हैं। शर्मा जी, गरीबी हटाओ का नारा दिया था, कितनी गरीबी कांग्रेस हटा पाई ये जनता जानती है, इस पर फिर कभी चर्चा कर लेंगे। संजय शर्मा जी, मैं ये बताना चाहता हूँ, जब भारत के साथ आजाद हुए मुल्क थे वो आज किस स्टेज पर, भारत कहाँ है, तो किसकी? भारत में स्किल्स की रेस्पेक्ट नहीं है, इज्जत नहीं की जाती। राहुल गांधी के भाषण की देखिए, राहुल गांधी के भाषण को दो दो कांग्रेस के प्रवक्ता भी डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं, यानी अब कांग्रेस को दो प्रवक्ता भेजने पड़ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी राहुल जी क्या कहना चाहते हैं वो भी स्पष्ट नहीं कर पाते। उनके भाषण की क्या उपयोगिता होगी मुझे ये बताइए, वो क्या बताना चाहते हैं लोगों को? कांग्रेस के दो दो प्रवक्ता भी उसको नहीं कह बात कह नहीं पा रहे। दूसरी बात वो बताना चाहते हैं, दूसरी बात आपकी बात पूरी हो चुकी है, दूसरी बात क्या, अभी अभी बात कर रहे थे कर्नाटक के अंदर जो शब्द ग्रहण समारोह हुआ, उस शब्द ग्रहण समारोह के अंदर मायावती भी वहां थी, सोनिया गांधी जी वहां थे, अभय चौटाला जी भी वहां थे, और अभय चौटाला जी मायावती के साथ हरियाणा में समझौता कर रहे हैं। तो क्या एक मिनट बालूगंज जी, आपकी बात को बड़े ध्यान से सुना है, आप भी सुनिए दो मिनट, आपकी बात को बड़े ध्यान से सुना है। तो अभी जो बात कर रहे थे कि हमारा जो है गठबंधन पूरे देश के अंदर, और गठबंधन नेतृत्व करेगा, तो क्या सोनिया गांधी नेतृत्व करेगी, क्या राहुल गांधी नेतृत्व करेगा, उसमें अभय चौटाला और इंडियन नेशनल लोकदल की हरियाणा में क्या भूमिका रहेगी, मायावती को प्रधानमंत्री पेश करेंगे, मतलब इनका अपना डिसाइड नहीं है, केवल मात्र एक मोदी का डर दिखाना है कि मोदी ना द्वारा आ जाए 2019 में, भारतीय जनता पार्टी ना आ जाए, इसलिए सारे इकट्ठे हो रहे हैं। और जहां तक आप स्वामीनाथन की बात कर रहे थे, सुनिए तो एक बार सुनिए बालमुकुंद जी, एक बार सुनिए, बालमुकुंद जी एक बार सुनिए, पूरी बात होने दीजिए, आप भी अपनी बात पूरी कर, जल्दी बात पूरी कीजिए। स्वामीनाथन आयोग की जहां तक बात कर रहे हैं, ये बात आई है कि 2006 से लेकर 2014 तक कांग्रेस को लागू नहीं कर पाई, इसका मतलब क्या कि घोषणा पत्र में देंगे तो लागू करेंगे,
लेकिन एक आयोग की रिपोर्ट को आप केवल वोट बैंक बनाने के लिए वोट बटोरने के लिए विषय इस तरह करने की मौका दिया। 2014 में जो स्थिति थी आज लगभग वही स्थिति है। 2014 में जनता कांग्रेस के कुशासन से परेशान थी, आज भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से। क्या कुशासन बताता हूं मैं, क्या कुशासन? अरे साहब, अगर एक प्रदेश को आप तीन बार जला दोगे, जलाने वाले कौन लोग हैं? वो आप जानती है, आप जलाने वाले लोगों को भी जनता जानती है। प्रवीण जनता के सामने सबका चेहरा निकला हुआ है, किसानों को इसके पीछे लाभ, क्षेत्र के लोग इसके पीछे, और उद्योगपति जो उद्योग बंद करने पे मजबूर हैं, कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं है, और इसी तरह से आयोजन आयोग ये सड़कों पे बैठे हैं। उत्तर पार्टी की सरकार ने कौन लोग हैं? कांग्रेस के लोगों ने तो छह महीने ये प्रदेश की जनता। कोशिश ये कीजिए कि हम राहुल गांधी पर चर्चा कर ले, कांग्रेस पर कर ले। राहुल गांधी जी भी चर्चा का विषय है, चाहे वो हास्य व्यंग में हो। मोदी जी भी चर्चा का विषय है, चाहे झूठ की बात हो। दोनों ही चर्चा का विषय है, एक झूठ बोलता है, एक हास्य व्यंग की बात करता है। आज मोदी जी के ऊपर देश की ढाई सवा लाख, आप बोलते हो झूठ बोल रहे हो उन लोगों से। सभा मोदी से बात करती है। चलिए रमन जी के पास चलते हैं। रमन जी के पास काफी समय से हम नहीं गए हैं, क्या लगता है रमन जी की कोका कोला जैसी कहीं कहानी बताना, क्या भारत में ना मिलना? मोदी जी ने कितने झूठ बोले, कमल जी ये भी पूछे ना। मोदी जी ने कितने झूठ बोले सर, उस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं ढिगरा साहब। नहीं, मैं पूछ रहा था आपके पास आएंगे, उसके बाद आपने नहीं है सवाल पूछे सब आपसे सवाल। पहले ये भी पूछा कि मोदी जी ने कितने के बारे में आप बोलिए ना सर, बीच में राहुल के झूठ बोलने को आप जस्टिफाई कर देंगे? मोदी ने झूठ बोलता है तो हम बिल्कुल नहीं कर रहा। मैंने कहा झूठ नहीं बोला राहुल जी ने। देखिए सवाल का जवाब सवाल नहीं हो सकता, सवाल का जवाब सवाल नहीं हो सकता। सवाल सुनना पड़ेगा। क्या लगता है राहुल गांधी को भारत में कोई कहानी नहीं मिली? उन्होंने खुद कहा है, और इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू को दोष नहीं देना चाहिए, उनका तो विश्वास समाजवाद अर्थव्यवस्था में था। बताइए आपको, आप सुन तो लीजिए। बिल्कुल बात यह है कि जिस तरह से दोनों तरफों के आप भाषणों का जिक्र करते हैं, तो मैं उसी में बात कर रहा हूं कि उन्होंने अपनी जीरो टू उसके ऊपर हाई के ऊपर बात की है राहुल गांधी ने। लेकिन ये तो झूठ ही बोल देते हैं सीधा। नेहरू के बारे में झूठ बोला, दूसरे नेताओं के बारे में झूठ बोला, और कितने झूठ बोले। एक फेयर लिस्ट है, गुजरात में अलग झूठ बोले, साउथ में कर्नाटका में अलग झूठ बोले, यूपी में अलग झूठ बोले, कितने झूठ मोदी जी ने बोले। तो उसके ऊपर सारे बीजेपी अभी स्वीकार है डेमोक्रेसी में, जिस तरह से 87 राज्यों की बात कर ली जाए, शासित राज्यों की बात कर ली जाए, लेकिन कांग्रेस के सामने परेशानी ये है कि 2019 में पता लगेगा 2014 के अंदर इतना आसान रहेगा इसी अंदाज के साथ 2019 में जीत पाना, या विकल्प के तौर पर नवीन जी क्या लगता है आपको, राहुल गांधी पार्टी के अध्यक्ष बन गए, क्या वो बड़े नेता के तौर पर पब्लिक में कभी पहचान बना पाएंगे? देखिए, जैसे 2014 के चुनाव से पहले तक सोशल मीडिया और पूरे भारत में एक छवि बन गई थी राहुल गांधी को लेकर कि पप्पू की छवि है। मुझे लगता है कि एक खास रणनीति के तहत अब उन्होंने अपना पैराडाइम शिफ्ट किया है गप की तरफ, जो इनकी अपनी एक पारंपरिक छवि है पप्पू की, उससे, और जो मोदी जी की गप्पू की छवि है उस छवि की तरफ। शायद ये हो सकता है कि उनको लगता है कि मोदी वाले तरीके से ही हम चुनाव लड़ सकते हैं। नकल कह सकते हैं क्या इसको? हाँ, नकल पैरोडी, ये एक तरह के पैरोडी कहलाती है। नकल नकल दूसरी तरह की होती है, पैरोडी कहलाती है। ये पप्पू से गप्पू की तरफ कौन सी मारी होने का एक कोशिश है। राहुल जी ने गप कौन सी मारी है मुझे बताइए। ये मोदी जी की तो गप ऐसी, लेकिन राहुल जी ने कौन सी गप मारी? मुझे जैसे जैसे एक वो गाना आया था माता जी का ईमेल आया है, तो एक वो पैरोडी थी, ऐसे ही ये गप की श्रेणी में जाना चाहते हैं सर, अपनी पुरानी छवि को तोड़। मोदी जी का जो कद है, मोदी जी के कद को ये जो नीचे करने का प्रयास जो कर रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर आज मोदी जी एक स्वीकार्य नेता है, वर्ल्ड के राहुल कहां मोदी जी? अरे मोदी जी कहां, राहुल कहां है? राहुल देश की सबसे पुरानी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। देखिए ये बात तो है,
देश की सबसे पुरानी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो, इस बात को खारिज नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय अध्यक्ष होने से कोई व्यक्ति की बुद्धिमत्ता दूर पड़ जाती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जब बाहर जाते हैं क्या मतलब इस बात का? राहुल केवल जाते हैं नेहरू आपके जो बाहर के चिराग हैं गप मारते हैं उनकी गप्पू की छवि नहीं है क्या? राहुल गांधी केवल नेहरू गांधी परिवार के उनकी गप्पू की छवि नहीं है। मुझे बताओ उनकी क्वालिटी क्या है? आपकी मैरिट क्या है? उनकी मैरिट क्या है? गप मारते हैं तो उनकी क्या क्वालिटी? उनकी ये मैरिट है। झूठ बोलते हैं तो उनकी क्या क्वालिटी है? मैं ये बताता हूँ, ये इसमें आज मोदी जी इस देश की 125 करोड़ के प्रधानमंत्री है। सबसे बड़े दुनिया के देशों को उन्होंने इकट्ठा किया है। भारत का लोहा दुनिया के देशों का पूरी दुनिया के जो 5 अग्रणी देश है वो भी भारत से सलाह लेते हैं। भारत की ग्रोथ 4% में छोड़ के गए थे। बड़े बड़े बिजनेस 4% की ग्रोथ में छोड़ के गए थे आप भारत को। पूरी दुनिया आज भारत ये बहुत बुनियादी सवाल है। भारत का नाम है। बुनियादी सवाल ये है कि राहुल के पास उपलब्धियों के तौर पर कुछ नहीं है बताने को। वो जब से उपाध्यक्ष रखे या फिर पार्टी के अध्यक्ष बन गए हैं कोई भी बड़ी उपलब्धि उनके पास नहीं है। देखिए एक बात बता दूं मैं, जब तक राहुल जी को कार्यभार करने का मौका नहीं होगा उस उनकी उपलब्धि और उनके काम तो गिन नहीं सकते। वो तो पार्टी के अध्यक्ष है, उन्होंने जितनी बातें आज तक की है वो इस विश्वासघात के जो मोदी जी के 4 साल का विश्वासघात है इसमें सारा विश्वासघात उसके ऊपर एक एक पॉइंट के ऊपर है। मैं उसके लिए आज कांग्रेस पार्टी सुनिए राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी के पास पैसा नहीं है। आपको मालूम है क्या? कांग्रेस पार्टी ने खुद ट्वीट करके कहा था। पैसे का मतलब कहां है इसमें? इस चंदा लेने आम जनता से। इस समय तो भारतीय जनता पार्टी दोनों हाथों से लूट रही है देश के सबसे बड़े बड़े उद्योगपति जो हैं। आप ये आप आकलन कीजिए, जो 10,000 करोड़ वाला आदमी है वो 14,000 देश छोड़ के बाहर जा चुका है। जो 6 करोड़ वाला टर्नओवर वाला आदमी है वो 25,000 से 30,000 आदमी देश छोड़ के बाहर जा चुका है। आप ये टोटल अमाउंट देखें तो 2,40,000 देश बाहर जा चुके हैं। पैसा सारा देश से बाहर चला गया। देश को कंगला करने प्रतियां फाड़ने से लेकर अभी तक राहुल में कितना बदलाव आप देखते हैं? हालांकि पीएम को देखकर कुछ बदलाव जरूर लाते हैं अपने तरीकों के तौर में, लेकिन उस तरह का बड़ा इंपैक्ट कोई नजर आए जो कि पब्लिक को दिखे? यहाँ राहुल पब्लिक को दिखना और इंपैक्ट की आप बात कर रहे हो वो तो रमन जी ने बहुत अच्छे शब्दों में डिफाइन कर दिया है कि जो राहुल जी हैं वो पप्पू वाली छवि को गप्पू वाली छवि की तरफ लेके जा रहे हैं। मुझे लगता है इससे बेहतरीन इस चीज को इसका विश्लेषण नहीं हो सकता जी। क्योंकि जिस तरह से हालांकि संजय जी बहुत चिल्ला रहे हैं लेकिन अगर आप प्रधानमंत्री जी के भाषणों को देखें तो उनके भाषणों में आपको कई बार ये चीज बड़ी साफ सामने आई है कि उन्होंने झूठ बोला, तथ्यों को तोड़ मरोड़ के बोला। मैंने शुरू में जिक्र किया था जनरल थिमैया का जिक्र कर रहे हैं 1948 से, क्योंकि 1948 में जनरल थिमैया थे ही नहीं, उसके बाद वो 1956 में थे और वहीं पे जो फील्ड मार्शल करियप्पा का जिक्र कर रहे हैं, तो वो इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? और इस तरह के झूठ अगर देश का प्रधानमंत्री अगर बोलेगा हो सकता है भाजपा के लोगों के लिए गर्व की बात हो, लेकिन ज्यादा अच्छा थोड़ा थोड़ा सुधार करें। जितनी बड़ी चुनौती उनके सामने है, जितनी बड़ी पार्टी की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है, बहुत सुधार की गुंजाइश है लगता है आपको? देखिए एक चीज तो रहती है, जो जो काम कर रहा है पार्टी के लिए उसको अपने आप एक ट्रैक तो आगे आगे बढ़ता ही है और वो काम कर रहे हैं और इतना काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं हर इलाके में, देख लीजिए चाहे वो गुजरात हो, चलिए उसके बाद चाहे दूसरा समय हो, समय पूरा हो चुका है। ये आए हाल के अंदर इस देश के अंदर एक भी घोटाला नहीं हुआ। परिपक्व लीडर होने के ऊपर चलिए शुक्रिया तमाम मेहमानों का जुड़ने के लिए। 3 साल कोशिश ये होनी चाहिए कि उदाहरण अच्छा दिया जाए। उदाहरण अगर अच्छा देंगे तो राहुल गांधी के लिए काफी अच्छा होगा भविष्य में 2019 को लेकर। लेकिन सवाल अब भी बरकरार है कि इस तरह के बयानों से क्या मोदी को चैलेंज दे पाएंगे राहुल गांधी? बिल्कुल, बड़ी बात में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।